हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश राव अपने यूट्यूब चैनल हिमाचल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बता दूं कि आज का जो मेरा ब्लॉग होगा वो दो दिन का एक ट्रिप है हमारा, उस पर हम जा रहे हैं। ट्रैकिंग का है, जंगल की ओर हम जा रहे हैं आज। ये देखिए, आप पीछे देख सकते हैं किस तरह का एक घना जंगल है। ये देखिए, कुछ लोग आगे जा रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए ये मेरे साथ के जो लोग हैं वो जा रहे हैं। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये देखिए ये मैं आपको निचले वाला एरिया जो है पहाड़ों का वो देखिए। आप आपको जो लास्ट पहाड़ी दिख रही है वहाँ से थोड़े से निचले वाली तरफ से हमने चलना शुरू किया था, हम वहाँ से आए हैं। और ये देखिए आप, ये नज़ारा है यहाँ पे पहाड़ों का। शाम का टाइम है, दिन ढल रहा है अभी। और ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर, ये देखिए। और ये मैं थोड़ा सा आपको जंगल वाला एरिया जो है वो दिखा दूँ। और मौसम देखिए, इस तरह का मौसम है, थोड़ा बारिश वाला मौसम है, बादल हुए हैं। और ये देखिए घना जंगल है। और ये देखिए जो आपको दिख रहा होगा, ये सड़क है। यहाँ पे एक टेंपल है, मुराह माता का टेंपल है, उसके लिए ये सड़क जाती है। अभी ये पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं है, कच्चा ही रोड है ये। तो ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा दूँ। और ये वो लोग हैं जो मेरे साथ ट्रैकिंग पर जा रहे हैं अभी, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बैक कैमरा से बता देता हूँ। ये देखिए अभी सनसेट जो हो रहा है इस तरफ पे, ये ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे। और ये देखिए, मेरा मासी है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे जो हम ट्रैकिंग के लिए आए थे वहाँ पहुँच गए हैं। देखिए, हमने आग जला ली हुई है, पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो गए, तो ये लकड़ियाँ इकट्ठी करते करते थोड़ा सा टाइम लग गया हमें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने यहाँ पे आग जला ली हुई है, और चूल्हे पे हमने एक पतीला रखा हुआ जिसमें हम अभी खिचड़ी बना रहे हैं। देखिए अभी हम तड़का लगा रहे हैं इसके। और ये देखिए अंधेरा हो चुका है बहुत। और ये देखिए दूसरी तरफ हमने दो जगह पे आग जलाई थी, और ये देखिए पतीला हमने रखा हुआ है इधर। मुरा देवी आज जाइए सारा मम्मी होते पूछ गए भाई। ये देखिए फ्रेंड्स, तो अभी हम यहाँ पे खाना बना रहे थे शाम के लिए। ये देखिए लकड़ियाँ हमने यहाँ पे जला रखी हैं, चूल्हा। और ये देखिए इस तरफ को मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे हमने क्या, ये देखिए हमारे जो लगेज थे, हमारे जो बैग थे वो इस तरफ को पड़े। कज़न ब्रदर वगैरह थे वो बैठे हुए हैं। और ये देखिए आप, ये वहाँ लकड़ियाँ हमने रखी हुई हैं, ये लकड़ियाँ हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और अभी हम आगे देखेंगे। और ये देखिए आप, कितनी बड़ी लकड़ी हमने इसमें लगाई हुई थी चूल्हे में, ये देखिए कुछ इस तरह। Thank you.
तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम बैठ गए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। हम पांच लोग थे और हमने प्लेटें रख ली हुई हैं। और ये देखिए, एक जो भाई हैं वो इसमें खाना डाल रहे थे। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली जैसे हम मतलब घर पे खाना खाते हैं, हमारे घर पे भी ऐसे ही ट्रेडिशन है कि हम जैसे बैठकर एक साथ, जो हमारा परिवार में जितने मेंबर होते हैं वो साथ में बैठकर ही खाना खाते हैं। हिमाचल में आमतौर पर यही एक परंपरा है, एक रिवाज है। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पर भी बैठे हुए थे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 27 मई और जो हम ट्रैकिंग के लिए घर से निकले थे रात को, तो हम रात को यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए, आप पीछे कमरा देख रहे होंगे मेरे कैमरे के उस तरफ। और ये देखिए, मैं आपको उसको व्यू दिखा देता हूँ। रात को वैसे आपने देखा भी होगा कि ये वो आग आपको दिख रही है, पीछे वो धुआं उठ रहा है जहाँ पे हमने रात को खाना वगैरह बनाया था यहीं पे। वो देखिए, वो चूल्हा जो ऊपरली तरफ है। तो मैं भी, आज सुबह का टाइम है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का ये नज़ारा है। ये देखिए, रात को क्योंकि इतना अच्छा व्यू आप देख नहीं पाए होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था यहाँ पे। ये देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है, धूप निकल रही है हल्की हल्की। और ये बहुत घना जंगल है इस तरफ को। और ये देखिए आप, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह सा ये है इस तरह का यहाँ पे। और यहाँ पे ठंड भी है, मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि मनाली और शिमला के जैसा यहाँ पे वेदर है, मौसम है, उस तरह की कुछ ठंड है। और ये देखिए आप, तो मैं आपको बैक कैमरा से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आप ये देखिए, अभी दिन मतलब सुबह सुबह है, सुबह का वक्त है यहाँ पे। और अभी देखिए सूरज निकल रहा है, धूप आ रही है अभी। और ये आप देखिए, नीचे आप हिमालय देख सकते हैं बिल्कुल ठीक सामने। और आसमान में देखिए कुछ इस तरह से बादल हैं छाए हुए, आज थोड़े हल्के हल्के, अभी सुबह का टाइम है तो बादल से लग रहे हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर इतना ये घना जंगल है। और ये जो आप फ्रेंड्स वहाँ देख रहे हैं, जो हिमालय दिख रहे हैं उस तरफ को, ये धौलाधार श्रृंखला है। उस तरफ को कांगड़ा और धर्मशाला वाला जो धौलाधार श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, वो है ये रेंज है। और ये देखिए पेड़ कुछ इस तरह से। और ये देखिए आप, और ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा था कि यही वो है जो आग हमने रात को जलाई थी यहाँ पे। और यहीं पे हमने खाना बनाया था। यहाँ पे ठंड है तो सुबह सुबह भी हमने आग जलाई हुई है। और ये देखिए, ये वो चूल्हा था जिसपे हमने पतीला रखा हुआ था, जिसपे हमने खिचड़ी बनाई थी, वो पुलाव बनाया था। और ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लकड़ियाँ हमने इकट्ठी की थी रात को। और इस तरह का कुछ जंगल है ये देखिए आप। और ये देखिए, और ये वो कमरा है जिसमें हमने आज की रात बिताई है। और अभी जो आएगी रात आगे वाली, वो भी हम यहीं पे बिताएंगे। तो ये देखिए, और इस कमरे के ठीक पीछे वाली तरफ को कुछ इस तरह का घना जंगल है। और इसके ठीक आप लेफ्ट वाली साइड को देखेंगे इस तरह से, तो ऐसा घना जंगल है ये। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये अब हम सुबह मैगी के लिए हमने देखिए इस पतीले में पानी डाल दिया हुआ है, उबाल रहे हैं हम इसको। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से हम मैगी बना रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए। और देखिए मैगी के पैकेट, और ये पानी की एक यहाँ पे बाल्टी है, एक अच्छी रखी हुई हमने। और तो फ्रेंड्स मैगी हमारी अब तैयार हो ही गई है। देखिए अब हम यहाँ पे ना मैगी का मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पानी की थोड़ी सी दिक्कत थी, तो लंच के लिए हमें यहाँ से थोड़ा सा किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ा पानी के लिए। और वहीं पे हमने लंच बनाया और वहीं पे हमने लंच किया। तो फ्रेंड्स जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे पानी की दिक्कत थी, तो देखिए हम यहाँ पे आ गए। हमें यहाँ पे एक मतलब नाले में पानी मिला, बहुत साफ़ पानी था, यहाँ पे नेचुरल वाटर था। तो यहीं पे हमने लंच बनाया। और ये देखिए यहाँ पे हमने पतीले में लंच के लिए हम सब्ज़ी बनाए थे। यहाँ पे हमने आलू मटर बनाए और साथ में चावल बनाए थे। और यहीं पे हमने लंच किया। ये देखिए पतीले में हम अभी तड़का लगा रहे हैं आलू मटर के लिए। बहुत ही मतलब ये ठंडा एरिया है और पानी बहुत ठंडा था यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब दिन के टाइम में धूप थी तो इतनी ठंड तो नहीं लग रही थी, वैसे नॉर्मल सा टेम्परेचर था। तो नॉर्मल जो मतलब हमारे कपड़े थे उन्हीं से काम चल रहा था अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और ये देखिए, ये जो मेरे साथ थे लोग वो हैं। और ये देखिए हमने मटर छील लिए हुए हैं। और
अभी हम यहाँ पे आलू मटर और चावल बना रहे थे, ये देखिए हम अभी यहाँ पे तड़का लगा रहे थे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मुझे मतलब इस तरह की चीज़ें करना, एडवेंचर और ये वाइल्ड लाइफ जैसे मतलब कि बहुत ज़्यादा पसंद है कि जंगल में कुछ टाइम के लिए चले जाओ, वहाँ पर आप टाइम बिताओ। तो ये देखिए आप, बहुत घना जंगल है यहाँ पर और यहीं पे हम लंच बनाते हैं, लंच करते हैं और उसके बाद फिर हम वापस चले जाते हैं। अभी सुबह का टाइम था, 10-11 बजे का टाइम था और बाद में फिर शाम के टाइम तो क्या 1-2 बजे के आसपास फिर बारिश शुरू हो गई थी। जब हम यहाँ से वापस जा रहे थे रास्ते में तो फिर बारिश शुरू हो गई, तो हमें रास्ते में ही मतलब पेड़ों के नीचे रुकना पड़ा जिससे हम थोड़ा सा बारिश से बच सकें। तो यहीं पर हम लंच करते हैं और वापस यहाँ से निकल जाते हैं। साइड का नहीं रास्ता। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं आपको ये इसका व्यू दिखा देता हूँ शाम के टाइम का। ये देखिए बहुत सुंदर व्यू है। अभी वो पहाड़ आपको धौलाधार की जो पर्वत श्रृंखला है वो आपको दिख रही है और अभी बारिश दिन में अचानक ही, यहाँ पे बहुत हाइट है वैसे तो, दिन में अचानक ही बारिश का मौसम बना और बादल वगैरह है तो बारिश शुरू होगी। तो अभी मतलब अच्छी बारिश होगी यहाँ पे। तो जो निचले एरिया हैं जैसे हमीरपुर कांगड़ा वाली तरफ, मैंने वहाँ पर फ़ोन करके पता किया तो उस तरफ बारिश नहीं थी। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का कुछ व्यू है। अभी शाम के 5-5:30 बज रहे हैं और मैं आपको वो कमरा भी दिखा देता हूँ जहाँ पे हम रुके हुए हैं, जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं शाम से, पिछले कल से। अभी हम सुबह यहाँ से वापस अपने घर के लिए निकल जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर व्यू है ये कुछ इस तरह का। ये देखिए आपको वो कमरा भी दिखा देता हूँ और थोड़ा सा आपको मैं आसमान दिखा देता हूँ कि किस तरह के वो घने बादल छाए हुए हैं। बारिश का मौसम बहुत बन रहा है यहाँ पे, बारिश हो भी गई और अभी भी बारिश का ही मौसम बना हुआ है। ये देखिए ये वो कमरा है जहाँ पे हम रुके हुए थे और देखिए आप बादल की आवाज़, आपको शायद गरजने की जो आवाज़ है वो भी आपको सुनाई दे रही होगी अभी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ना नेचर का बहुत करीब से आपको नेचर दिखा सकूँ जितना हो सके। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हिमाचल लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चुप रहे यार। बस ना थोड़ी देर फ्रेंड्स। देखिए अभी हम शाम का खाना बना रहे हैं, ये हम पुलाव बना रहे हैं, आलू और मटर की खिचड़ी जिसको हम बोल सकते हैं वो हम बना रहे हैं। और ये देखिए वो कमरा जो मैं आपको पहले दिखा रहा था, हम उसी कमरे में बैठे हुए हैं। और ये देखिए उस तरफ हमने लकड़ियाँ रखी हुई हैं, ये देखिए। और ये देखिए कुछ बर्तन, पानी के बर्तन हैं ये देखिए। और ये देखिए चूल्हे में हमने आग जलाई हुई है और अभी शाम का खाना बन रहा है, डिनर हम बना रहे हैं, पुलाव हम बना रहे हैं दोस्तों। और ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है। तो
हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अभी हमारा यहाँ पे आज तीसरा दिन है, सुबह का समय है और आज हम यहाँ से अब घर के लिए निकल रहे हैं। सुबह 6 बज रहे हैं। ये देखिए जो मेरे साथ फ्रेंड्स आए थे, मेरे कज़न ब्रदर वगैरह आए हुए थे, तो अब हम सब साथ में घर की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ से आप देखिए सुबह सुबह, और ये देखिए सुबह का यहाँ पे कुछ इस तरह का मौसम है। बहुत ही अच्छा मौसम है, बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की धूप ये भी निकल रही है। ये देखिए आप, और ये वो जंगल वाला एरिया है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से अभी हम घर के लिए वापस जा रहे हैं। जो लोग थे वो आगे यहाँ से भी निकल गए हुए हैं, आगे इसी सड़क पे आगे जा रहे हुए हैं। और ये देखिए सुबह सुबह का समय है, सुबह का टाइम है और अभी धूप भी नहीं निकली हुई है उस तरफ। ये देखिए आप, पिछले कल बारिश हुई है यहाँ पे, तो मौसम कुछ इस तरह का है अभी। ये देखिए यहाँ पे एक टेंपल है आगे, मुरहा माता का टेंपल है, उसकी तरफ ये जो रोड है आप लिंक साइड देख रहे हैं, कच्चा रोड देख रहे हैं, ये जा रहा है उस तरफ को। तो फ्रेंड्स, जब हम वापस हो रहे थे उस टाइम का देखिए, ये थोड़ी सी वीडियो क्लिप थी। यहाँ पे देखिए भैंसें बांधी हुई हैं और ये गांव है यहाँ पे एक, और यहीं से हम जा रहे थे वापस निचली वाली तरफ को। यहाँ से उतर रहे थे नीचे, ये काफ़ी चढ़ाई वाला एरिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल